नमस्कार नेशन अपडेट डॉट इन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद परीक्षा पर्व 2.0 बच्चों में परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए उन्मुखीकरण तथा संवेदीकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के सदस्य श्री यशवंत जैन ने कहा कि वर्तमान में बच्चा तनाव में जी रहा है, समय प्रतियोगिता का है, बदलते परिवेश में शिक्षकों को भी बदलना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित न किया जाए, शिक्षकों के प्रस्तुतिकरण का तरीका बच्चों के समझ में आना चाहिए। श्री जैन ने कहा कि बच्चों को महान व्यक्तियों के उदाहरण देते हुए समझाया जाए कि असफलता से भविष्य के दरवाजे बंद नहीं होते, बल्कि सफलता के अनेक रास्ते भी खुलते हैं। उन्होंने लैंगिक अपराध अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि घटना होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सरकार द्वारा बाल कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी अभिभावकों को दी जाए, जिससे वे इसका लाभ उठा सकें। बच्चों को बताया जाए कि अच्छा काम करने से सम्मान मिलता है। वहीं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा दुबे ने कहा कि बच्चों के मन में झांके परीक्षा का तनाव नियंत्रित करना शिक्षकों के हाथ में है, परीक्षा के तनाव को कम करना कठिन कार्य है। उन्होंने आगे कहा कि हर बच्चे में अलग अलग योग्यता होती है, शिक्षक उनकी योग्यता को पहचानता है। शिक्षक को बच्चों को आंखों से पढ़ने और गढ़ने की आवश्यकता है, शिक्षक यह प्रयास करे कि बच्चे कैसे उन्नत बने। उन्होंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश में संचालित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर उनके मन से परीक्षा के दबाव को कम किया जा सकता है। श्रीमती दुबे ने कहा कि बच्चों में परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन राज्य के हर जिले में किया जाएगा। बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अंबा सेट्टी ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि 95% मस्तिष्क अवचेतन होता है। बच्चों के मस्तिष्क का विकास 8 वर्ष तक तेजी से विकसित होता है। शिक्षकों को बच्चों के मनोभाव को समझना जरूरी है। बच्चे नादानी करें तो उसके कारण को समझना होगा। उन्होंने कहा कि रिसर्च बताता है। कार्यशाला के पैनल डिस्कशन में राज्य बाल अधिकार आयोग की सदस्य सुश्री टी आर श्यामा, श्री अंकित ओझा, सचिव श्री प्रतीक खरे, स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नीलम अरोरा, मनोविज्ञानी डॉक्टर साइस्ता अंसारी ने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षणार्थियों के प्रश्नों के उत्तर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा दुबे ने दिया। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की अपर संचालक डॉक्टर सुनीता जैन ने स्वागत भाषण दिया और कार्यक्रम का संचालन श्री डिकेश्वर वर्मा ने किया। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेशन अपडेट डॉट इन में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं नेशन अपडेट डॉट इन का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.